हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए डोमिनो स्टाइल गार्लिक ब्रेड की रेसिपी लेकर आए हैं, तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिएगा, शेयर और कॉमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलना और हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए पहले हम उसकी प्रिपरेशन देख लेते हैं। तो मैंने 250 ग्राम मैदा लिए है, उसको मैंने अच्छे से छान लिया है। अब हम उसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। तो मैंने 1 चम्मच शुगर ऐड किया है, टेस्ट अकॉर्डिंग नमक भी ऐड किया है, हाफ चम्मच बेकिंग पाउडर ऐड किया है, 1 पिंच बेकिंग सोडा, 3 चम्मच कर्ड ऐड किया है, मैंने खट्टा कर्ड लिया है, 2 से 3 चम्मच ऑयल ऐड किया है, अब हम उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारे इंग्रेडिएंट्स को। अब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और डो बनाते जाएंगे। एक साथ सारा पानी ऐड नहीं करेंगे, हमें अच्छा सा सॉफ्ट डो चाहिए। हमारा डो बनकर रेडी हो चुका है, देख सकते हो आप कितना सॉफ्ट बना है। अब हम उसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे और अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे और 1 घंटे तक उसको रेस्ट आने देंगे ताकि हमारा डो है जो अच्छे से फूल सके। तब तक हम बाकी की प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो मैंने 3 चम्मच गार्लिक लिया है, गार्लिक पेस्ट, उसमें हम अमूल बटर ऐड करेंगे। आप कोई सा भी बटर यूज कर सकते हो। मैंने 3 क्यूब बटर ऐड किया है, उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम उसमें कोरिएंडर लीव्स ऐड करेंगे और टेस्ट अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे। बटर में भी नमक आता ही है, तो अब ध्यान से ऐड करना। अब हमारा जो डो है वो 1 घंटा हो चुका है, देखिए कितना सॉफ्ट बना है। इस तरह से हम फिर से उसको डो को मिक्स करेंगे। हमने चीज भी ग्रेट कर लिया है, तो हम गार्लिक ब्रेड बनाना शुरू करते हैं। तो हम पहले मोटी लोइयां लेंगे, उसको अच्छे से इस तरह से मसल कर फ्लैट ब्रेड बनाएंगे। बहुत पतला नहीं बेलेंगे, थोड़ा सा मोटा बेलेंगे। हल्के हाथों से इस तरह से हमारी सॉफ्ट जो डो है वो अच्छे से हमने बेल ली है और हमारी ब्रेड तैयार हो चुकी है। अब हमने उस पे जो गार्लिक बटर बनाया था वो अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। इसका टेस्ट इतना बढ़िया आता है। अब हम उसमें जो ग्रेट किया हुआ था चीज वो अच्छे से स्प्रेड करेंगे एक साइड पर ही। अब हम उसमें ओरेगानो इस तरह से स्प्रिंकल करेंगे। आप पेपरिका या मिक्स हर्ब भी यूज कर सकते हो और चिली फ्लेक्स भी। अब हम उसको दूसरी साइड से इस तरह से फॉइल कर लेंगे और हल्के हाथों से इस तरह से प्रेस करेंगे ताकि हमारा चीज है वो मेल्ट होकर बाहर ना आए। उस पर भी हम फिर से
गार्लिक बटर बनाया था वो अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। फिर से हम ओरिगानो और पेपरिका दोनों स्प्रिंकल कर लेंगे अच्छे से। अब बीच बीच में हम इस तरह से कट करेंगे ताकि हम जो जब ब्रेड बेक होकर आए तब अच्छे से उसके पीस बन सके। अब हमने जो बेक करनी है वो प्लेट को अच्छे से ग्रीस कर लेंगे और गार्लिक ब्रेड को इसमें रख देंगे बेक करने के लिए। हमने पैन को पहले से प्रीहीट कर लिया था 10 मिनट के लिए नमक डालकर। हमने गार्लिक ब्रेड को उसमें रख दिया है। अब हम उसको 15 मिनट तक बेक करेंगे। वाओ, हमारा गार्लिक ब्रेड बनकर रेडी हो चुका है। अब हम उसको एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे और उसके अच्छे से